नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर दिनभर की तमाम बड़ी खबरों पर। 10 दिन में बदला दिल, दिल में रहने वाला हुआ नाकाबिल। दूसरे से शादी की तो प्रेमी ने प्रेमिका का ही कर लिया अपहरण, पुलिस को देखा तो खोला राज। गुरुवार को न्यायालय में होंगे प्रेमी से छुड़ाई गई नवविवाहिता दुल्हन के बयान। 7 आरोपियों पर अपहरण, जानलेवा हमला और लूट का मामला दर्ज। सिवरेज निर्माण करते समय मिट्टी में दबने से 3 मजदूरों का दम घुटा, चश्मदीदों की सूझबूझ से बच गई तीनों की जान। और गोगुंदा में लावारिस पशुओं के आतंक से परेशान खासू आम, कई बार हो चुके हैं चोटिल, लापरवाह हुए जिम्मेदार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हरण या अपहरण की सच्चाई की। 13 साल का प्यार एक बार भागने में असफल। 2 माह पहले परिजनों को लिखी प्रेमी संग जाने और शादी नहीं करने की चिट्ठी। शादी से 10 दिन पहले हृदय परिवर्तन और प्रेमी को छोड़कर परिवार की इज्जत के लिए अखातीत से 1 दिन पहले समाज के ही लड़के से शादी। यह सब किसी फिल्मी कहानी जैसा ही लगता है, लेकिन यह हकीकत में हुआ और वह भी हमारे शहर में। जी हाँ, पूरे उदयपुर शहर में अभी यही बात चर्चाओं में है कि सवीना रेलवे पुलिया पर दुल्हन का अपहरण हुआ या फिर वह अपनी मर्जी से भागी। आप सभी का यह सोचना भी लाजमी है, क्योंकि अपहरण करने वाला और कोई नहीं दुल्हन का पूर्व प्रेमी ही था। हालांकि इस मामले में पुलिस की जितनी सराहना करो उतना कम है, क्योंकि महज 15 घंटों में पुलिस ने कहानी से जुड़े हर किरदार को हिरासत में ले लिया और सामने आ गया कि दुल्हन मर्जी से नहीं भागी, उसका अपहरण ही हुआ था। जी हाँ, शहर के हिरण मगरी थाना इलाके के सवीना मंडी के बाहर से अपहृत की गई नव नवेली दुल्हन को पुलिस ने जयपुर से बरामद किया और उदयपुर लेकर पहुंची। इस मामले में पुलिस ने दुल्हन का अपहरण करने वाले उसके पूर्व प्रेमी प्रियंक जिंगर सहित 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में 2 युवकों की सरगर्मी से तलाश जारी है। आइए 2 दिनों से सबसे हॉट इश्यू बने केस की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आपको भी रूबरू करवा देते हैं। उदयपुर के सवीना इलाके से अपहरण की गई दुल्हन की कहानी का बुधवार को नाटकीय तरीके से अंत हो गया। पहले दुल्हन विनीता के पूर्व प्रेमी द्वारा विनीता को अपहरण कर ले जाने की बात सामने आई थी। अपहरण की इस घटना के बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमों का गठन कर अपना अनुसंधान प्रारंभ किया। इस बीच कल देर शाम को विनीता के हाथों से लिखा एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें विनीता ने आरोपी प्रियंक जिंगर के साथ स्वेच्छा से जाने और उससे बेइंतहा प्यार करने की बात को स्वीकार कर लिया। लेटर के सोशल मीडिया पर आने के बाद हड़कंप का माहौल हो गया और सभी लोगों ने मान लिया कि प्रियंक जिंगर की साजिश में दुल्हन विनीता भी पूरी तरीके से भागीदार है। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो माजरा ही कुछ उल्टा नजर आया। एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए साफ किया कि विनीता द्वारा लिखा गया यह पत्र 2 माह पुराना है, जब वह आरोपी प्रियंक जिंगर के साथ घर से भागना चाहती थी, लेकिन उसके भाई की शादी की वजह से उसने ये कदम नहीं उठाया। उसी दरमियान प्रियंक जिंगर ने इस लेटर को उसके एक साथी को दे दिया, जिसने मंगलवार को मौके का फायदा उठाते हुए इस लेटर को सोशल मीडिया पर डाल दिया। पूर्व में भी इन्होंने एक बार इस तरह से भाग करके शादी करने का प्लान किया था, पर वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया था। और आपने देखा होगा इसी दौरान कल एक लेटर भी वायरल हुआ था, उस लेटर के पीछे भी स्टोरी निकल करके आई थी। इन्होंने 2 महीने पहले भी कोई प्लानिंग की थी भागने की, तो उसी मद्देनजर इन्होंने वो लेटर लिखवाया था, परंतु वो इसके भाई, लड़की के भाई की शादी होने की वजह से वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया इनका भागना, और इसको घर पर रुकना पड़ा। और उसके बाद में शादी के बाद में ये घटना अंजाम दी गई। पुलिस ने ऑलमोस्ट 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लड़की को दस्तयाब फिर अनुसंधान जारी है। अपहरण की इस घटना के बाद आरोपी प्रियंक जिंगर अपने साथियों के साथ गांव के रास्ते से होता हुआ भिलवाड़ा पहुंचा, जहां पर इसने एक रिपोर्ट में रुककर दुल्हन के कपड़े बदलवाए। इसके बाद उसके साथियों ने आरोपी और दुल्हन को जयपुर की एक बस में बिठाया, लेकिन आरोपी प्रियंका और दुल्हन के बस में रवाना होने के पश्चात ही पुलिस ने उसके दोनों ही साथियों विजय सिंह और उदय सिंह को धर दबोचा और जयपुर के सिंधी कैंप से आरोपी प्रियंक और विनीता को भी हिरासत में ले लिया। एसपी ने बताया कि अपहरण की घटना के बाद आरोपी प्रियंक ने दुल्हन विनीता को इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल किया। इस दौरान आरोपी प्रियंक ने दुल्हन विनीता को सुसाइड करने तक की धमकी दे डाली। अपहर्ताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से दुल्हन विनीता ने कहीं पर भी आरोपी प्रियंक का प्रतिरोध नहीं किया। वहीं जब आरोपी प्रियंक पुलिस
उसकी गिरफ्त में आया तो दुल्हन विनीता ने उसके खिलाफ बयान देकर अपहरण की साजिश में शामिल होने के कयासों को विराम दे दिया। एसपी ने साफ किया कि प्रियंक जिंगर और दुल्हन विनीता के बीच में काफी समय तक प्रेम प्रसंग रहा है, लेकिन 2 महीने पूर्व ही दुल्हन विनीता का हृदय परिवर्तन हो गया और वह इस वजह से प्रियंक के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में प्रियंक ने भावुकतावश उसको साथ में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें विफल हो गया। अभी तक जो प्राथमिक अनुसंधान में जो इसने लड़की के द्वारा बयान दिए गए हैं, वो इसने आरोपी के खिलाफ बयान दिए गए हैं। इसका ये कहना है कि भाई मेरी दोस्ती थी और करीब 2 माह पहले जरूर इस तरह की बात थी कि मैं भागना भी चाहती थी। इसने मेरे से ये लेटर भी लिखवाया था, पर चूंकि 22 अप्रैल को मेरी शादी थी, 22 अप्रैल भाई की शादी थी, तब तक मैं रुक गई और उसके बाद में लड़की का चूंकि परिवारजनों से निरंतर इसका वार्तालाप रहा और इसके हृदय परिवर्तन होकर के लड़की ने इसके बाद ये भागने का सीन तो ड्रॉप कर दिया, परंतु इस दौरान में इस लड़के द्वारा निरंतर उसको भावुकता में लिया गया कि भाई अगर वो साथ नहीं चलती है तो मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ, इतने सालों से अपने दोस्ती रही है। इस तरीके से इसने इसको बरगलाया एक तरीके से और भरोसे में लेकर के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो देखा आपने, इस मामले का खुलासा करने के बाद रायपुर पुलिस ने राहत की सांस ली और 24 घंटे से एक दूजे से जुदा दुल्हा दुल्हन को एक बार फिर से मिलवा ही दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रियंक के खिलाफ अपहरण, डकैती और जानलेवा हमले की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस मामले में अभी 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। वहीं दुल्हन विनीता को कल पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके 164 के बयान होने के बाद ही उसको परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। उदयपुर जिले के कानोड के मंगलीफला गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक कार सूखे कुएं में गिर गई। इस हादसे में कार सवार मासूम सहित 6 लोग गंभीर घायल हो गए। कुएं में गिरने की घटना के बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को कुएं से बाहर निकाला। बाद में 108 की मदद से सभी घायलों को कानोड सीएससी पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि सभी घायल अपने रिश्तेदार की कार में सवार होकर भरड़िया शादी समारोह में हिस्सा लेकर मंगरीफला गांव लौट रहे थे। वहीं बिन मुंडेर का सूखा कुआं अंधेरा होने से चालक को नहीं दिखा और मोड़ पर कार बिन मुंडेर के कुएं में जा गिरी। और बुलेटिन में यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ...100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरण मंगरी मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th, limited student in each class, medical checkup twice in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities, convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Contact at 0294-241-3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा, साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 ka chhatra adhyapak ratio, e-library, computer kaksh, yoga ke saath indoor outdoor games aur khel maidan, regular health checkup, RO water jaisi kai aadhunik suvidhaon se yukt. Main aaspaas ke sabhi अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। जय गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, जिनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। महर्षि गौतम एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 10। स्पेशल टीचर, लर्निंग विदाउट स्ट्रेस, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classroom, smaller steps, big dream, lesson through with MGA, convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CCTV camera in all classes, and extraordinary results from others. Maheshwari Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, TC, Udaipur. Call at
248। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर साइकिलिंग क्लब की ओर से ब्रेविट पॉपुलर साइकिल राइड विश्व अस्थमा दिवस पर शुरू हुई। उदयपुर साइकिलिंग क्लब के प्रतिनिधि जितेंद्र पटेल ने बताया कि यह साइकिल राइड सुबह 4 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें साइकिलिस्ट ने फतेहपुरा से राइड को प्रारंभ किया, जिन्होंने गोगुंदा जसवंतगढ़ उखलिया टनल तक का सफर तय किया और यू टर्न करके फिर सभी साइकिलिस्ट फतेहपुरा पहुंचे। साइकिलिंग क्लब की ओर से जितेंद्र पटेल, नवदीप बागड़ी, मनीष अग्रवाल, दिग्विजय सिंह, निखिल राका, अभिजीत सिंह, हिरांश कोठारी, राहुल राका, वीरेंद्र सिंह, एस आर प्रवीण ने भाग लिया। नमस्कार दोस्तों, आज उदयपुर साइकिलिंग क्लब की 100 किलोमीटर की वीआरएम आज हुई और उदयपुर से उखलिया टनल तक हम सभी 10 जने यहां से राइड करते हुए गए और वापस फतेहपुरा आके हमने इसको फिनिश किया। मेरे साथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल, लवदेव बागड़ी, हिरांश कोठारी, निखिल रंका, दिग्विजय सिंह, अभिजीत सिंह, राहुल रंका आदि हम टोटल 10 जने थे और राइड आज हमने 100 किलोमीटर का हमारा जो लक्ष्य था वो वर्ल्ड अस्थमा डे, आज विश्व अस्थमा डे था, उसको हमने जागरूकता के हिसाब से हमने आज ये राइड किया। धन्यवाद। उदयपुर के आयड़ इलाके में नगर निगम की ओर से चल रहे सिवरेज की खुदाई के काम के दौरान बुधवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल आयड़ इलाके के सुधारवाड़ा के पास नगर निगम की ओर से 10 फीट गहरी सिवरेज की लाइन खोदी गई थी। वहीं 3 मजदूर सिवरेज के सकरे गड्ढे में काम कर रहे थे कि अचानक मिट्टी के खिसकने से तीनों ही नीचे दब गए। इस हादसे में गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां वह पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इस हादसे को लेकर नगर निगम और जिम्मेदार एजेंसी के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिवरेज काम के दौरान जिम्मेदारों की इसमें जरूर लापरवाही रही है। अरे आराम से भेजो, रोड भेजो, मिट्टी आएगी। शहर की एक बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी कर उसकी हर माह आने वाली पेंशन हड़पने का एक मामला सामने आया है। सेक्टर 4 निवासी पीड़िता नोजीबाई ने एक अधिवक्ता पर पेंशन हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में नोजीबाई बुधवार को उनके पास रहने वाली अनूपबाई मेनारिया के साथ कलेक्टर साहिबा से मिलने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता नोजीबाई के साथ आई अनूप देवी ने बताया कि नोजीबाई के पति सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। उनकी मौत के बाद नोजीबाई की पेंशन शुरू हुई, जो कि किसी वकील ने शास्त्री सर्कल स्थित एक बैंक से शुरू करवाई, लेकिन हर माह बैंक से वकील साहब उन्हें पेंशन दिलाने जाते हैं तो कुछ पैसे देकर बाकी का बड़ा पेमेंट वह स्वयं रख लेते हैं। ऐसे में जब पीड़िता और अनूप देवी बैंक गए तो बैंक वालों ने भी यह कहकर रवाना कर दिया कि वकील साहब को साथ लाना तो पेंशन मिलेगी। हालांकि इस पीड़िता का दुखड़ा सुनकर कलेक्टर मैडम ने बैंक में अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें बैंक भेजा है। और नौकरी ने कम 25-30 साल जानू हूँ, अंडे मारे व्यवहार हो पड़े व्यवहार हो और न या बहुत गरीब है, अंडो आदमी हॉस्पिटल में काम करते हो, हरिराम जी वड़ा रो नाम हो चपड़सिया और वड़ा रो शांत व्यवहार है, उपरांत अंडो बेटो उकार आयो हो वो अंडा सब कुछ पैसा डिंगला लेन पड़ो गयो वंडे मार मार बस पर थी अड़ी वो मकान भी अड़ी बेटा ने दे दीजो तो वही उकार वही मकान ने भी बेची दीजो और न बेची नंडा सब पैसा ढींगला रकम भाव सब लेन परो गयो 10,000 रुपया पेंशन आती तो वो कतरा दे तो या मैंने नहीं पता और न वो कतरा ले जाता तो या पता नहीं, लेकिन यार यूं क्या मार पा पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं है खावाने ही नहीं, यदि 10,000 रुपया वो इन्हें दे तो या महीने में खाई जाके 10,000 रुपया मैं यो चाह रही हूँ कैंडी पेंशन इन्हें मिले, अंडा दरवाजा सही है और ना अंडा पंखा वगैरह सही है और अंडा खावा भी और इंतजाम दिन आणि मगील 20,000 रुपया तो एक दाग दिला ने 40,000 एक दिला ने और सब खाई गयो लीली ने कौन खाई गयो वो वकील रंग गया जो अच्छा वो खाई ना नान के वकील दो ही मिल गया नान के वकील दो ही मिल गया अबे
कोई तो नहीं, कोई नहीं होगा मैं भाई ये आपने। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में इन दिनों आवारा सांडो के आतंक से लोग खासे परेशान हैं। कस्बे में आप जिधर भी जाएंगे वहां आवारा पशुओं का बोलबाला है। ऐसे में सड़क पर चलने वाले राहगीर सांडो से बचते नजर आते हैं। अपनी परेशानी को लेकर कई बार स्थानीय लोग प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते सांडो का सरे बाजार आतंक जारी है। बुधवार को भी आवासीय बस्ती में तीन सांड आपस में अचानक से लड़ गए, जिनसे बचने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध है। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 1300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5,000 रुपए का निश्चित उपहार। नियम शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 02942470625, 9829632125, 7023087867। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426838। वाइब्रेंट एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोटा स्टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी, जेईई, बोर्ड्स एंड वेरियस ओलंपियाड फॉर क्लास 7 टू 12 नाउ इन उदयपुर। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर गिविंग बैक टू बैक सिलेक्शंस फॉर जेईई मेंस एडवांस्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मॉर्निंग एंड इवनिंग बैचेस, स्मॉल साइज बैचेस, डेली ऑन डेस्क डाउट क्लासेस, प्रिपरेशन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्सनल काउंसलिंग सेशन बाय एक्सपर्ट्स। We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 02942413090. Address near Alka Hotel, Shasti Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to second standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School. Near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School. 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऋषभदेव थाने के भूदर गांव के कन्हैया लाल उर्फ कन्नू को पुलिस ने चुनाव के पहले हिस्ट्री शीटर के तौर पर गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व कन्नू पुलिस से भागता हुआ कहीं छुप गया था। कन्नू के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान उनके साथ भी मारपीट की थी और कन्नू को गिरफ्तार करने के बाद उसे डूंगरपुर जेल भेज दिया गया। कन्नू तब से जेल में ही था। तीन दिन पहले इलाज के दौरान कन्नू की मौत हो गई तो ग्रामीणों ने शव लेने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मारपीट की वजह से मरा है। जब तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा नहीं होता शव नहीं लेंगे। मौके पर भूधर में भारी मात्रा में ग्रामीणों का जमावड़ा है। पुलिस व परिजनों में समझाइश का दौर चल रहा है। जिला पंचायत से हमारे वो न्याय नहीं मिला, कानून कायदा से कार्रवाई होनी चाहिए इनके साथ जो भी हमारे साथ नेटवर्क किया वो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम राजकुमार है और मेरे पापा के साथ बहुत मारपीट की, उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। केलू फोड़ दिए और कूलर फोड़ दिया। इसके बाद अंकल को पिताजी को मारते मारते थाने ले गए। गाली गलौज कर रहे थे। कानूगढ़ा तरफ से वहाँ रोक के मेरे को बोले कन्नू कहाँ है, मैंने कहा था। तो इसके बाद मैं रोटी खाने के लिए तैयार था, मैं मोटरसाइकिल से आगे चला, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ आके गाड़ी आ गई, यहाँ अपने घर के पास नहीं है, तो फिर गाड़ी रोकी, रोक के पीछे निकलेगी। ये खड़ा था सुरेश, खड़ा था, तो इसका वारंट है। मैंने कहा इसको यू कहा, मैंने कहा तू कपड़े पहन ले, साहब के पास जा। तो ओके, तू भी बैठ जा साथ में गाड़ी के, मेरे को बिठा लिया, किसी को बदल दिया, बिठा लिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्म की नगरी नाथद्वारा में इंसानियत उस समय शर्मसार हो गई जब एक शव को कचरे की गाड़ी में डाल दिया गया। डॉक्टर, पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारियों की ऐसी करतूत ने सबको झकझोर कर रख दिया। ऐसे में हिंदू संगठनों ने रोष व्याप्त किया है। बुधवार को शिवसेना की ओर से राजसमंद के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने मानवता को ताक में रखकर इंसानियत को शर्मसार किया है। इस मौके पर हरीश श्रीवानी, मोहन सिंह, ललित लोहार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक सड़क हादसे में एक मजदूर दंपति शिकार हो गए जिसमें महिला की मौत हो गई। जब लाचार पति ने कहा कि उसके पास दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में इन लोगों ने कचरे की गाड़ी में शव डालकर दाह संस्कार करने ले गए। बिंडर कस्बे के गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवंबर 2018 के बाद से जैसे ग्रहण सा लग गया था। यहां पर नियुक्त प्रसूति रोग विशेषज्ञ जिनके सेवानिवृत्ति होने के बाद यहां पर प्रसव बहुत ही कम रह गए थे, पर एक बार फिर से सभी नर्सिंग स्टाफ और यहां के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह शक्तावत, डॉक्टर राजीव आमिटा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KB मालव के नेतृत्व में फिर से महीने में 50 से ज्यादा डिलीवरी
वृद्धि हो रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं में विश्वास जगा है और धीरे धीरे गर्भवती महिलाएं वापस सरकारी चिकित्सालय में आने लगी है। इस कार्य में लेबर रूम के प्रभारी बीना भट्ट और अतुल आमिटा का प्रयास सराहनीय है। साथ ही अशोक सिंह, हेमंत जाटोलिया, सपना रेगर, अफसाना पठान, राजकमल कटारा, राजेंद्र माइड़ा, विराट चौबीसा, आशीष चौबीसा, संपत रेगर जैसे स्टाफ मुश्तैदी से 24 घंटे प्रसूति कक्ष में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही प्रसूताओं को राज्य के चिकित्सालय में प्रसव होने के फायदे जैसे शुभ लक्ष्मी योजना, राजश्री योजना, जननी सुरक्षा योजना के फायदे बता रहे हैं, जिससे प्रसूताओं और उनके सहयोगियों में फिर से इस संस्थान में विश्वास बढ़ रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताएं फिर से प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के दिन आकर अपनी जांच करवा रही हैं और यहीं पर प्रसव को प्राथमिकता दे रही हैं। आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि प्रसूताओं को यहां पर सभी सरकारी लाभ के साथ प्रसव के तत्काल पश्चात बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञ भी यहां पर उपलब्ध मिल जाते हैं। मोटिवेशन से यहां डिलीवरी में वापस सुधार हुआ है। लोगों को JSY के बारे में और शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा। हम सभी मिलकर अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट हो, संख्या बढ़े और लोगों को सभी जानकारी लेबर उनसे दे रहे हैं। दोनों टाइम प्रसूताओं के बीपी, पल्स, टेम्परेचर दिया जा रहा है और उनको ब्रेस्ट फीडिंग के में गायनेकोलॉजिस्ट के जाने के बाद डिलीवरियों की संख्या काफी कम हो रही थी, पर स्टाफ के साझा प्रयास से विंडो हॉस्पिटल में फिर से किलकारियां ढूंढने लगी है और यहां के स्टाफ के सहयोग से HIV संक्रमण डिलीवरी भी कराई गई है और अदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली डिलीवरी भी कराई गई है और हम सबके सहयोग से यहां पे डिलीवरियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 10 दिन में बदला दिल, दिल में रहने वाला हुआ नाकाबिल, दूसरे से शादी की तो प्रेमी ने प्रेमिका का ही कर लिया अपहरण, पुलिस को देखा तो खोला राज। गुरुवार को न्यायालय में होंगे प्रेमी से छुड़ाई गई नवविवाहिता दुल्हन के बयान, 7 आरोपियों पर अपहरण, जानलेवा हमला और लूट का मामला दर्ज। सिवरेज निर्माण करते समय मिट्टी में दबने से 3 मजदूरों का दम घुटा, चश्मदीदों की सूझबूझ से बच गई तीनों की जान। और गोगुंदा में लावारिस पशुओं के आतंक से परेशान खासू आम, कई बार हो चुके हैं चोटिल, लापरवाह हुए जिम्मेदार। रैपर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।